नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस और लाखों दिलों की धड़कन रेखा आज अपना 69वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में हुआ था। उनके पिता जेमिनी गणेश तमिल फिल्मों के जाने माने अभिनेता और माँ पुष्पावली अभिनेत्री थी। हिंदी सिनेमा जगत में अपनी खूबसूरती, दिलकश और अदाएं और आला अदाकारी के लिए मशहूर रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। रेखा ने अपनी फिल्मी करियर में 400 से ज़्यादा फिल्में की हैं। रेखा अपनी फिल्मों के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। खासकर रेखा की लव लाइफ ने हमेशा सुर्खियां बटोरी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा और महानायक अमिताभ बच्चन की इश्क की कहानियाँ यूँ तो आप भी जानते ही होंगे। इन दोनों को लेकर बॉलीवुड के गलियारों में कई तरह की कहानियाँ मशहूर हैं। कहा यह भी जाता है कि अमिताभ बच्चन रेखा और जया बच्चन द्वारा अभिनीत यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला इन तीनों के असल जिंदगी में चल रहे लव ट्रायंगल से ही प्रेरित है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि रेखा और अमिताभ के अतीत को लेकर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की निजी जिंदगी हमेशा काफ़ी उथल पुथल में ही बीती। वहीं दूसरी तरफ रेखा को भी असल जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला। दिल्ली के व्यवसायी मुकेश अग्रवाल संग उन्होंने शादी तो की, लेकिन उनके पति की साल भर के भीतर ही मौत हो गई। तब से ही रेखा आज तक तन्हा है, लेकिन कई लोग ये तक मानते हैं कि पति की मौत के बाद रेखा अभी तक सिंदूर लगाती हैं। ऐसा वो अमिताभ बच्चन के लिए करती हैं, लेकिन दोनों में से कभी भी किसी ने भी इन बातों को स्वीकार नहीं किया, ना ही इन दोनों को कभी पब्लिकली साथ देखा गया है। हालांकि रेखा कई बार अपने इंटरव्यूज़ में अपनी अधूरी मोहब्बत का जिक्र कर चुकी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा का नाम अमिताभ के अलावा और भी किन लोगों के साथ जुड़ चुका है? जी हाँ, ये वो दौर था जब रेखा अपने करियर के पीक पर थी। उनके पास दौलत, शोहरत सब कुछ था, लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत अकेली थी। ऐसे में साल 1996 में रेखा ने सुपरस्टार अक्षय कुमार संग फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी की। इस फिल्म में रेखा और अक्षय ने कई सारे बोल्ड लव सीन्स दिए। उस वक्त रेखा 42 की थी जबकि अक्षय 29 साल के थे। उमराव जान की अपार सफलता के बाद रेखा ने इस फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाया था। फिल्म में एक गाने में पेशनेट सीन फिल्माते समय रेखा अपना संतुलन खो बैठी थी और उन्होंने अक्षय की पीठ पे अपने नाखून धंसा दिए थे। इसकी वजह से अक्षय को चोट भी लग गई थी। बाद में फिल्मी गलियारों से ये बात सामने निकल कर भी आई थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन बाद में अक्षय कुमार ने एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली और रेखा आज भी सिंगल ही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।